मध्य प्रदेश के 6 लोकसभा क्षेत्रों में हो रहे मतदान को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय स्थित प्रदेश स्तरीय नियंत्रण कक्ष में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकसभा क्षेत्र से आने वाली सूचनाओं व समस्याओं की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचकर वॉर रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान लोकसभा चुनाव प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय एवं प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद मौजूद रहे। वॉर रूम से मतदान में हो रही गड़बड़ियों, धीमी वोटिंग, अन्य दिक्कतों सहित तमाम चीजों पर नजर रखी जाएगी। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम मोहन यादव ने प्रदेश की जनता से मतदान करने की अपील की। रिजल्ट तो आएगा 4 जून को, लेकिन जैसे मैंने कल भी कहा कि मेघावी विद्यार्थी को अपना रिजल्ट पहले से मालूम रहता है कि वो रिजल्ट क्या है। इस प्रकार का वातावरण बना है अभी तक के समाचार सही के साथ है। यद्यपि कहीं कहीं मौसम थोड़ा सा आज आग बदल रहा है, कुछ जगह बारिश हुई, लेकिन मुझे लगता है 6 जगह में तो कहीं नहीं अभी समाचार आया है। बाकी जगह कही है, जैसे उज्जैन में पानी गिर रहा है, कुछ और जगह भी पानी के समाचार है, लेकिन फिर भी ठंडा मौसम है, तुलनात्मक रूप से गर्मी नहीं है। हम सबका सौभाग्य है जब यशस्वी गृह मंत्री हमारे बीच आज रहे हैं, मुझे ही किया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।